अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू तो एम एज एडवेंचर उम्मीद करती हैं अल्लाह के करम से आप लोग सब खैरियत से होंगे आज मैं बनाने लगी हूँ एक स्पेशल मीठा जो कि है ब्रेड मलाई रोल इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो लाइक का बटन प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर करें चलें फिर आए हम इसको स्टार्ट करते हैं पहले यहाँ पे हम रबड़ी मिल्क रेडी कर लेंगे रबड़ी मिल्क के लिए क्या करना है कि एक पैन में एक लीटर दूध ले लें या फिर चार कप के करीब दूध होगा जो कि एक लीटर दूध एक चार कप के करीब होता है वो मैंने एक पैन में ऐड कर दिया और उसको पकने के लिए रख दिया है जैसे ही दूध पकना शुरू हुआ इसमें मैंने यहाँ पर एक सौ चम्मच जाफ़रान ऐड कर दिया है अगर आप लोगों के पास ज़फ़रान ना हो तो आप फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन आपको पता है कि ज़ाफ़रान की एक अच्छी सी खुशबू होती है इसलिए मैंने यहाँ पर जायफ़रान यूज़ किया है जैसे ये दूध पकना शुरू हुआ तो उसमें मैं यहाँ पे दो से तीन चम्मच मैंने चीनी ऐड कर दिए आप लोग चीनी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन ये कैसा मीठा है जिसमें चीनी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती इसलिए मैंने दो से तीन चम्मच ही चीनी यूज़ की है दूध जैसे ही हमारा ये जो है पकना शुरू हो गया था अब इसमें यहाँ पर दो चम्मच जो है बादाम ले लिया बादाम को मैंने क्रश कर लिया था क्रश करके इसमें दो बड़े चम्मच बादाम ऐड कर दिया इसी तरह से पिस्ते ले लिए थे जो कि पंद्रह से बीस के थे उसको भी क्रश कर लिया और वो भी इसमें ऐड कर दिया और साथ ही यहाँ पर एक कप के करीब फ्रेश मिल्क ऐड कर दी है अब इन सब को हम पकने के लिए रख देंगे चूल्हे पे मीडियम हाँ, लो हीट पर और उस वक्त तक हमने दूध को पकाना है जब तक कि ये क्वांटिटी में हाफ़ ना हो तो जैसे कि अगर एक लीटर दूध था तो ये हाफ लीटर के करीब रह जाएगा और थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो हमने चूल्हा बंद कर देना है ये देखें ये हाफ हो गया अब मैं यहाँ पर चूल्हा ऑफ कर दिया अब दूसरे में हम यहाँ पे खोया रेडी कर लेते हैं खोए के लिए हमने क्या करना है एक पैन में एक कप हमने दूध ले लिया और साथ ही यहाँ पे एक से डेढ़ कप जो है इसमें मैं खुश्क दूध ऐड कर रही हूँ खुश्क दूध आप कोई भी ले सकते हैं लेकिन हमने अभी इसको चूल्हे पे नहीं रखना इसे हमने चूल्हे के बगैर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है कि इसमें लम्पस ना रहें अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया अभी चूल्हा हमने चूल्हे पर बिल्कुल नहीं रखना है इसको इसको मिक्स करने के बाद ये देखें अच्छे तरीके से हमने बिल्कुल मिक्स करके इसका एक लिक्विड सा रेडी कर लेना है जैसे ही रेडी हो गया अब हमने इसको चूल्हे पर शिफ्ट कर दिया चूल्हे पे इसको हमने मीडियम लो हीट पर पकने देना और साथ ही यहाँ पे मैंने दो बड़े चम्मच घी ऐड कर दिए थे आप चाहें तो आप बटर भी ले सकते हैं मेरे पास घी अवेलेबल था मैंने घी ले लिया और मीठे के लिए यहाँ पे मैं इसमें दो बड़े चम्मच कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद इसे अच्छे तरीके से पकाना है और म, मुस्तकिल हमने इसको स्टर करते रहना है हमने स्पून नहीं छोड़ना और हमारी हीट बिल्कुल मीडियम है इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक कि ये हमारा थिक ना हो जाए ये देखें अच्छा सा ये थिक होना शुरू हो गया और ये अब खोया रेडी है जब ब्रेड में फिलिंग के लिए हम क्रीम रेडी कर लेते हैं क्रीम के लिए यहाँ पे मैंने एक कप फ्रेश क्रीम ले ली थी विप्ड क्रीम ली थी और उसमें मैंने यहाँ पे एक बड़ा चम्मच बादाम और पिस्ता क्रश करके वो ऐड कर दिया और इस तरह से ये क्रीम रेडी है अब क्या किया ब्रेड स्लाइस ले लिया उसके चारों कॉर्नर्स हमने इस तरह से कट कर लेने इसके कॉर्नर्स कट कर लिए कॉर्नर्स कट करने के बाद बेलन की मदद से किसी रोलर की मदद से हमने इसको बिल्कुल फ्लैट कर लेना ये देखें फ्लैट हो गया अब हमने इसकी फिलिंग स्टार्ट करते हैं इसकी असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं पहले हमने यहाँ पे क्रीम जो कि हमने रेडी की थी उसकी लेयरिंग की हमने और फिर उसके बाद एक से डेढ़ चम्मच बड़ा चम्मच हमने खोया लिया जो कि हमने खोया रेडी किया था उसको इस तरह से रोल कर लेना है हमने अपने हैंड्स में ये देखिए रोल किया और उसको अब ब्रेड के अंदर रख के हमने ये ब्रेड का रोल रेडी कर लिया ये इस तरह से हमारा ब्रेड का एक रोल रेडी हो गया अब हम सेम ही प्रोसीजर जो है बाकी ब्रेड पे रिपीट करेंगे इसका दूसरा स्लाइस लिया उसको हमने बेलन की मदद से बिल्कुल हमने फ्लैट कर लिया अब हम क्रीम की पहले इसके ऊपर लेयरिंग करेंगे और खोए का हमने एक से बड़ा एक से डेढ़ चम्मच खोया लिया उसका रोल बनाया उसको हमने इस तरह से ब्रेड में रख के ये रोल रेडी कर लिया एक एक करके हम इस तरह से ये रेडी करते जाएंगे अब हमने क्या करना है डिश में इनकी लेयरिंग कर देनी है इनको लेयरिंग करने के बाद हमने जो रबड़ी मिल्क रेडी किया था वो हम इसके ऊपर इस तरह से फैला इसके ऊपर फैला देंगे ये देखिए इसको अच्छे तरीके से हमने कोट कर दिया रबड़ी मिल्क में रबड़ी मिल्क में कोट करने के बाद हमारे पास जो नट्स अवेलेबल थे जैसे कि काजू बादाम पिस्ता उन सबको मैंने आ, क्रश कर लिया था क्रश करने के बाद इसको उसके साथ गार्निश कर रही हूँ और मेरे पास रेड और ग्रीन कलर की चेरीज चेरी थी तो वो भी मैं इन पर हाफ़ करके इस तरह से लगा रही हूँ ये देखिए इस तरह से लगा दिया कितना खूबसूरत सा कलर लग रहा है कलरफुल सी हमारी ये डिश रेडी है आप भी इसको ट्राई करें ईद का मौका है अपनी पार्टीज़ में बनाएं ईद पर बनाएं ये बिल्कुल भी ज़्यादा मीठा नहीं होता और प्लीज़ अगर आप लोगों ने और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगी है अगर आप लोगों ने ट्राई की थी तो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दुआओं में भी याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़